अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जूही, I'm sorry, जूही। प्लीज मुझे माफ कर दे इस वसीयत की वजह से। समर भैया को उनका हक। तुझे वसीयत की पड़ी है, मुझे दुख दुख के लिए झेल रही है, उसका क्या रूही। चल बैठ। रूही, तूने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? क्या बताती मैं जूही, कैसे बताती? क्या मैं तुझे ये बताती कि इस दुनिया में कोई तुझे मासी चाची बोलने वाला कभी नहीं आएगा? नहीं रूही, मुझे पूरा यकीन है। तो देखना, कोई ना कोई चमत्कार जरूर होगा। मेरा भांजा या भांजी जरूर होंगे रूही, देखना तो। और वैसे भी साइंस ने कितनी तरक्की की है, इतने सारे ट्रीटमेंट्स हैं, कोई सलूशन तो निकल ही जाएगा रूही। नहीं भी निकलेगा ना तो कोई बात नहीं रूही, मेरे लिए सबसे बड़ा रिश्ता है तेरी बहन होने का, बस मेरे लिए वही काफी है। जी जो उन्होंने तो मेरी हिम्मत बांध रखी है, वो हर कदम पर मेरे साथ है। जब भी मैं कभी टूट जाती हूँ, बिखर जाती हूँ, वो मुझे समेट लेते हैं। जो ही तुझे पता है, कभी कभी तो मुझे यकीन नहीं होता कि मैं इतनी किस्मत वाली हूँ। हर चीज मुझे मिले वो मेरी जिंदगी में आए। अच्छा, जीजू मिले तो तू लकी। मैं मिली वो। वैसे लकी तो तू है जो तुझे मैं मिली। सोच, अगर मम्मी मुझे कचड़े के डब्बे से ना उठाकर लाई होती तो तू अकेली रह जाती। दर्द को भी कैसे मजाक में उड़ाना, कोई तुझसे सीखे। मैं जानती हूँ रूही कि तू अंदर से दुखी है। मैं ये भी जानती हूँ कि कैसे बचपन से तू हमेशा से माँ बनना चाहती थी। तुझे याद है जब हम घर घर खेलते थे तो हमेशा मेरी मम्मी बनती थी। तू फिक्र मत कर रूही, हम बहुत अच्छे डॉक्टर्स को दिखाएंगे, कोई सलूशन जरूर निकलेगा। तेरे खाटू जी है ना, तेरे साथ इतना गलत कभी नहीं होने देंगे। मैंने अब सब उन पर ही तो छोड़ दिया, जो होगा देखा जाएगा। रूही वो देख, टूटता तारा। देख रूही, देख कैसे आज मम्मी हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आई है। वो हमेशा कहती थी ना रूही कि जब कोई चला जाता है तो वो तारा बन जाता है, इसलिए मम्मी आज तारा बनकर तेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए आई है। चल विश मांगते हैं। देखना ये भी ना कोई खाटू जी का इशारा है, तो देखना सब अच्छा होगा। या शायद मम्मी का कोई इशारा होगा। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं 2 से नए नाम मिलाए गए के सारे शानदार एपिसोड्स। पूनम, क्या हुआ भाई साहब, पूनम घर पे नहीं है क्या? जी नहीं बहन जी, पूनम तीर्थ यात्रा गई है ना, तो मुझे लगा कि शायद वे। अरे आप छोड़िए भाई साहब। अरे बहन जी, पूनम बहन, अरे पूनम बहन कहाँ हो तुम?
कहाँ हो पूनम बहन? बहनी मैंने कहा ना आपसे कि पूनम तीर्थ यात्रा गई है। अरे भाई साहब, पूनम तीर्थ यात्रा पे चली गई है, मुझे बताया तुमने? भाई साहब क्या हुआ, बच्चों के चेहरे ऐसे उतरे हुए क्यों हैं? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? क्या ना, पूनम नहीं है ना इतने दिनों से, तो आपको कुछ चाहिए क्या? चीनी नमक वगैरह कुछ चाहिए तो मैं देता हूँ ना। नहीं नहीं, मुझे तो कुछ काम नहीं था, मुझे पूनम से काम था, अब वो तो है नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैं बाद में आती हूँ। नमस्ते। 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 अरे, अरे। आप ठीक है बहन जी? हाँ जी, हाँ जी, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। आप अपना ध्यान रखें। हर कमरे में देख लिया, पूरा घर छान लिया, सुंदरा जी कहीं नजर क्यों नहीं आ रही है? चली गई क्या? भाभी, वो जो दीदी आई थी ना, वो आज सुबह चली गई। चली गई? सुबह सुबह उन्हें किसी को उठाना ठीक नहीं लगा, तो हमसे बोली रिक्शा मंगवा दो, मंगवाया और वो चली गई। पर ऐसे कैसे बिना बताए किसी को चली गई? अच्छा ठीक है, आप जाइए। क्या वरुण? हाँ जी, सुंदरा जी अचानक चली गई, ऐसे ही बिना किसी को बताए चली गई। घर में इतना कुछ चल रहा है, उन्हें अजीब लगा होगा इसलिए चली गई होंगी। उन्होंने तुम्हारी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, और भगवान ने मौका दिया तो मैं एहसान स्वरूप चुका हूँ। मैं अभी आया। मम्मी जी लाइए, मैं खाटू जी के वस्त्र बदल देती हूँ। हमको हमने हर जगह ढूंढ लिया, सभी रिश्तेदारों के यहाँ पे, सहेलियों के यहाँ पे, सबको फोन करके पूछ लिया, लेकिन उनका कहीं कोई पता नहीं चला। मुझे लगता है हमें रोहित जी को इस बारे में बता देना चाहिए। दादू सही कह रहे हैं आप, हमें बता देना चाहिए रोहित जी को। इंस्पेक्टर साहब आप चलो, तलाशी लो इस घर की। इंस्पेक्टर साहब, ये सब क्या है, क्या हुआ, ये क्या कर रहे हैं आप? हमें अभी भी पता चला है कि जिसकी वजह से पूनम जी गायब हुई है उसका सबूत इस घर में छुपा हुआ है। मुझे अपना काम करने दीजिए। लेकिन ऐसे कैसे तलाशी ले सकते हैं आप? आपके पास कोई सर्च वारंट है? जी हाँ, ये रहा सर्च वारंट। जूही बेटा, भगवान के वस्त्र बदल दो। मम्मी जी मुझे ये सब नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं सिखा देती हूँ। ये देखो, ये गंगा जल है, इसे पहले वस्त्र पे छिड़को, फिर पूरे मंदिर में गंगा जल छिड़क दो। जूही के होते हुए मम्मी जी मुझे ये सब क्यों बता रही है? फिर ये माला उतारो और फिर खाटू जी को ये वस्त्र पहना दो, फिर ये माला खाटू श्याम जी को पहना दो। जूही बेटा, तुम्हें परदोष का व्रत रखना है। मैंने अपने मायके से ये व्रत उठाया था, और मेरी माँ चाहती थी मेरे बाद यह व्रत उनके नाती बहू रखे, तो ये व्रत तुम रखना। और देखो, उन्होंने साड़ी भी दी थी, तो व्रत के समय तुम यही साड़ी पहनना। मम्मी जी मुझसे भूखा नहीं रह जाता, मैंने एक्चुअली कभी व्रत रखा ही नहीं। लेकिन अब रखोगी बेटा, बहुएं व्रत रखती हैं, और तुम इस घर की बहू हो ना, तो तुम भी ये व्रत रखोगी। बेटा मैं तुम्हें निर्जला व्रत रखने के लिए नहीं कह रही हूँ, तुम फलाहार खा के ये व्रत रखना, ठीक है? मम्मी जी अगर
जूही ये व्रत नहीं रखना चाहती तो मैं व्रत रख लेती हूँ ना। मैंने कहा ना, ये व्रत जूही करेगी। अभी जी मुझसे ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।